दोस्तों थॉमसंस ने इंडियन मार्केट में फ्लिपकार्ट रिपब्लिक डे से ठीक पहले अपने दो नए स्मार्ट टीवी लॉन्च कर दिए हैं। इन्हें कंपनी ने नई पाथ सीरीज के तहत लॉन्च किया है। थॉमसन के ये दो टीवी 42 इंच और 43 इंच स्क्रीन साइज में लॉन्च किए गए हैं। अब यहाँ पर मुझे थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो रहा है कि कंपनी ने ये जो टीवी हैं ये सेम स्क्रीन साइज में आखिर क्यों लॉन्च किए हैं। खैर, इसके बारे में अभी हमें ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाई है क्योंकि कंपनी ने इसकी इन्फॉर्मेशन ज़्यादा अभी से शो नहीं की है। तो जैसे ही इन टीवी की बाकी डिटेल्स सामने आएगी तो इससे रिलेटेड भी हम एक और नई वीडियो लेके आएंगे और उसमें आपको इन दोनों के अंतर के बारे में बताएंगे। इसके अलावा इस टीवी के अंदर आपको एंड्रॉयड 9 का सपोर्ट मिलता है जो कि मुझे यहाँ पर थोड़ा पुराना लग रहा है क्योंकि एमआई और एंड्रॉयड टीवी इन दोनों ने ही एंड्रॉयड 10 ऑपरेटिंग सिस्टम लॉन्च कर दिए हैं। इसके अलावा यहाँ पर थॉमसन 42 इंच के पाथ 2121 ये मॉडल है और थॉमसन 43 इंच जिसका मॉडल है पाथ 0009BL ये दोनों ही जो टीवी हैं इनके अंदर गूगल असिस्टेंट का सपोर्ट भी दिया है। इसके बाद हम इन टीवी की कीमत के बारे में भी जान लेते हैं। तो थॉमसंस का 42 इंच का जो टीवी है वो आपको 19,999 रुपये के अंदर मिलेगा और थॉमसन का 43 इंच का जो टीवी है वो आपको 22,499 मिलेगा। ये दोनों ही टीवी आपको फ्लिपकार्ट की 20 जनवरी को शुरू होने वाली सेल के अंदर मिलने शुरू हो जाएंगे। मैं आपको बता देता हूं कि फ्लिपकार्ट की रिपब्लिक डे जो सेल है वो 20 जनवरी को शुरू होने जा रही है और ये 24 जनवरी तक चलेगी, जिसके अंदर जो भी इलेक्ट्रिक सामान है वो आपको काफ़ी सस्ते प्राइस में देखने को मिलेंगे। इसके बाद अब हम थॉमसंस के इन टीवी की बाकी खूबियों के बारे में भी जान लेते हैं। तो दोनों ही टीवी के अंदर जो रेजोल्यूशन है वो आपको फुल HD का यहाँ पर देखने को मिलेगा जो कि DLED IPS पैनल के साथ आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। दोस्तों, अगर आपको मालूम नहीं है कि टीवी के अंदर पैनल का क्या काम होता है तो आप आई बटन पर क्लिक करके मेरी ये वीडियो देख सकते हैं। यहाँ पर थॉमसन ने अपने ये दोनों ही टीवी सिर्फ फुल HD के अंदर लॉन्च किए हैं तो यहाँ पर भी मुझे थोड़ा सा नेगेटिव पॉइंट लग रहा है क्योंकि मार्केट के अंदर 43 इंच के अंदर आपको 4K TV भी देखने को मिल जाते हैं तो ये भी थोड़ा सा एक नेगेटिव पॉइंट है। इसके अलावा इन टीवी के अंदर आपको 178 डिग्री का व्यूइंग एंगल भी देखने को मिलता है तो ये एक अच्छी बात है। इसके साथ साथ यहाँ पर इन टीवी के अंदर आपको 1 GB रैम और 8 GB स्टोरेज देखने को मिलेगी। अब हम बात कर लेते हैं कनेक्टिविटी की। तो यहाँ पर आपको HDMI के 2.0 के दो पोर्ट देखने को मिलेंगे, USB के 2.0 के दो पोर्ट आपको देखने को मिलेंगे, AV के भी आपको दो पोर्ट यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे, RF का इनपुट मिल जाएगा, इंटरनेट का भी इनपुट मिल जाएगा और ऑप्टिकल इनपुट्स भी आपको यहाँ पर मिल जाएगा। इसके साथ साथ यहाँ पर लाइन इनपुट और एक ऑडियो जैक का इनपुट भी मिल जाएगा। दोस्तों, अगर आपको इन पोर्ट्स के बारे में ज़्यादा मालूम नहीं है तो आई बटन पर क्लिक करके आप मेरी ये वीडियो देख सकते हैं। इसके अलावा कनेक्टिविटी ऑप्शंस में वाईफाई और ब्लूटूथ ये दोनों ही लेटेस्ट वर्जन के साथ आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। इसके साथ साथ इस टीवी के अंदर गूगल असिस्टेंट वॉइस कमांड का सपोर्ट भी दिया गया है जिसके द्वारा आप अपने वॉइस से पूरे टीवी को कंट्रोल कर सकते हैं। थॉमसन का ये टीवी आपको स्मार्ट रिमोट के साथ देखने को मिलता है जिसमें आपको सोनी लिव, अमेजन प्राइम वीडियो और यूट्यूब जैसे ऐप्स के लिए स्पेशल अलग से होट की यहाँ पर दी गई है। रिमोट में गूगल असिस्टेंट्स को एक्टिव करने के लिए अलग से डेडिकेटेड बटन दिया गया है तो ये हमारे लिए एक अच्छी बात है, आपको अलग से सेटिंग्स में जाना नहीं पड़ेगा, आप डायरेक्ट यहाँ पर एक्सेस कर सकते हैं। इन टीवी के अंदर आपको 1000 से ज़्यादा ऐप्स का मजा मिलेगा। 42 इंच वाले मॉडल के अंदर आपको 30 वोट के स्पीकर देखने को मिलेंगे और 43 इंच वाले मॉडल के अंदर आपको 40 वोट के स्पीकर देखने को मिलेंगे तो यहाँ पर साउंड के मामले में आपको इस टीवी के अंदर कोई भी कमी नहीं नजर आएगी। थॉमसन के इस टीवी के बारे में इससे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन अभी निकल के सामने नहीं आ पाई है। जैसे ही इसे लॉन्च किया जाएगा 20 जनवरी को, उसके बाद हम एक और नई वीडियो लेके आएंगे और बाकी जो इसकी इन्फॉर्मेशन है उसके बारे में भी हम आपको जल्दी ही बताएंगे। तो उसके लिए अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अगर आपको इस वीडियो से थोड़ी भी यूजफुल इन्फॉर्मेशन मिली है तो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए, जल्द मिलेंगे ऐसी ही एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।